जी मैं ये मेरे बिजनेस सिंडिकेट है, सूरज सूरज यादव नाम है इनका, और सलून और इनका हेयर कटिंग सलून का बिजनेस है, और मैं भी इनका एक बिजनेस सिंडिकेट हूँ। मैं और मेरे दोस्त रामकोट पे खड़े हुए थे कुछ कार के काम से, फिर उस वक्त इनके एक स्टाफ का फोन आया जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, हेमंत हेमंत। हेमंत इनका एक स्टाफ है, कुछ प्रीवियस सैलरी देने के ताल्लुक से बोल रहा था, सर यहाँ पे आके हम लोग को थोड़ा सैलरी दो, कुछ मेरा हॉस्पिटल का इशू वगैरह है। तो वो सिंपथी रखते हुए मैं और मेरे फ्रेंड यहाँ पे पारदीवाड़े के करीब आए थे, ऑपोजिट टू HP पेट्रोल पंप। आने के बाद वो और उसके कोई 7-8 लोग साथ में खड़े हुए थे वहाँ पे, जब सैलरी देने की बात वगैरह आई, प्रीवियस कुछ मेरा ओवर टाइम बनता वगैरह वगैरह। फिर वहाँ पे HP पेट्रोल पंप पारदीवाड़े के सामने ये जो शख्स है, ये जिसका नाम वेंकट है, क्या नाम इसका, हेमंत हेमंत है, ये अपने 8-10 दोस्तों के साथ वहाँ पे सिंडिकेट बना के ऑलरेडी ठहरा हुआ था। जब बात वगैरह करके मैं निकलने की कोशिश कर रहा था मैं, तो ये अपने 8-10 दोस्तों के साथ मेरे फ्रेंड के ऊपर अटैक किया, जिसका जाके मैं अभी थोड़ी देर पहले MLC कराया, मैं उस्मानिया हॉस्पिटल में MLC करा के रिपोर्ट लेके आके मैं यहाँ पे कमाटीपुरा PS पे दिया हुआ हूँ, और साहब बोल रहे कि कल मॉर्निंग 1:30 2 o'clock तक आने के लिए। अटैक की वजह क्या है? अटैक की वजह सिर्फ एक प्रीवियस सैलरी थी जो कि पेंडिंग थी, आप सैलरी देना था उन्हें। सैलरी देना था, सैलरी दे भी दिए थे, ओवर टाइम और इंसेंटिव बनता बोल के बोल रहा था लड़का ये। नहीं, मैं एक्चुअली बोलो। ओवर टाइम और इंसेंटिव लास्ट मंथ का पूरा क्लियर है। ये मंथ की जो सैलरी है, ये मंथ की सैलरी उनको देना था, और ये जो है 13 तारीख से अब्सकॉन्डिंग है बिकॉज ऑफ मेडिकल इशूज। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये मंथ का भी सैलरी क्लियर कर दो। एज पर द कंपनी पॉलिसी, हम लोग ये मंथ का सैलरी क्लियर नेक्स्ट मंथ में करते हैं, बट बिकॉज ऑफ इसके पास हेल्थ इशू है बोल के हम लोग नियर बाई थे, तो चलो ठीक है, एक बार देख भी लेंगे एंड वी विल पे हिज सैलरी एज वेल। तो वो मोटो से अपन आए थे यहाँ पे, सैलरी देने के लिए आए थे आप लोग। सैलरी देने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हूं मैं बोल के बुलाया, वो तो सिंपथी उन्हें रखते हुए। मारने का रीजन क्या है आपका? मारने का रीजन तो कुछ रीजन नहीं है, ही आप सामने स्टार्टेड आए तो अब्यूजिंग। मार। पहले वो गाली गलौज देना शुरू करा, जब गाली गलौज दे रहा मैं हटाने की कोशिश करा तो मेरे दोस्त के ऊपर जानलेवा हमला करा, और नकल डस्टर वगैरह पहन के वहां पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, यानी कि मेरे दोस्त की गाड़ी है, डैमेज करा 700 XUV, डैमेज कर दिया, पीछे का पूरा आईना वगैरह तोड़ दिया नकल डस्टर से मार के, सामने का राइट साइड का फ्रंट मिरर तोड़ दिया। फिर अभी यहाँ पे कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लेन दिया, अभी साहब बोले कि कल 1-2 बजे आने के लिए, हेंस आई वॉन्ट द कोऑपरेशन फ्रॉम द कमाटीपुरा PS। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।